गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर रत्नेश। आज मैं आपको डेंगू के बारे में बात करूंगा। डेंगू क्लासिकल फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, जो आजकल बहुत ज़्यादा मौजूद है इस सीजन में। अच्छा, सबसे पहले खास बात हम बात करेंगे कि डेंगू किस चीज़ से फैलता है। डेंगू, सबसे पहले बात समझ लें, ये एक वायरल डिजीज है। दिस इज अ वायरल डिजीज विच इज कॉज बाय आरएनए वायरस। और इसके तीन सीरो टाइप्स होते हैं, जिसे डी चार सीरो टाइप होती है, सॉरी DEN1 से लेकर के DEN2, 3 और 4। एक बार इन्फेक्शन हो जाने की वजह, जब भी एक बार इन्फेक्शन होगा तो आपको किसी एक खास वजह से होगा, DEN1, 2, 3। और एक बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उस खास टाइप के सीरो टाइप से आपको जीवन भर के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है। यानी कि अगर अगले बार आपको डेंगू हो रहा है तो वो या तो दूसरे, तीसरे, चौथे टाइप की वजह से हो रहा है। अच्छा, डेंगू फैलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? संवाहक, यानी कि एक वेक्टर की आवश्यकता होती है। और ये वेक्टर होता है एडीज एजिप्टाई। दिस इज प्रोपोगेटेड बाई, कैरिड बाई एडीज एजिप्टाई। दिस इज स्ट्राइप्ड मॉस्किटो, दिस इज स्ट्राइप्ड मॉस्किटो एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइगर मॉस्किटो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट दिस एडीज एजिप्टाई इज कि दिस मॉस्किटो इज मोस्ट प्रेवलेंट और बाइट्स, जो पर्सन को बाइट करता है वो अर्ली मॉर्निंग और जस्ट बिफोर डस्क, यानी कि संध्या के पहले अर्ली मॉर्निंग, ये डे मॉस्किटो है। तो हमें खास ध्यान देना है, इस दौरान ज्यादातर लोग, हम लोग दिन के दौरान ही ज्यादातर अमूमन अपने ऊपर केयर नहीं करते हैं। दूसरा, ये फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब जो घर के आसपास जो पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर इकट्ठा हो जाता है, ये मच्छर इस फ्रेश वाटर में लगता है। तो ये एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो, इसीलिए ये अर्बन एरिया का ज्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि आपके पास फ्रेश वाटर अर्बन एरियाज में होते हैं। अच्छा, एक बार अगर ये मच्छर काट लेता है तो सिम्टम आते हैं। तो सबसे पहले बात हम समझ लें कि यदि किसी भी व्यक्ति में अगर डेंगू हो रखा है तो ये मच्छर जब काटता है तो उसको 7 से 8 दिन अपनी साइकिल पूरी करने को लगते हैं। और जब वो मच्छर आदमी को काटता है तब से इसको 3 से 7 दिन लगता है। यदि अगर आप किसी कम्युनिटी में किसी को डेंगू हो रखा है तो यदि लोडेड मॉस्किटो है तो भी आपको 3 से 5 दिन बाद ही सिम्टम आएंगे अगर आपको उसने काट लिया है। और अगर फ्रेश मॉस्किटो काटता है तो आपको 10 से लेकर 14 दिन के बीच में सिम्टम आएंगे। तो अगर आपके आसपास कोई डेंगू फीवर हो गया है तो आप ये समझ लीजिए कि आप डेंजर रेंज में आ गए हैं और आप 5 से 14 दिन के बीच में सिम्टम का मैनिफेस्टेशन दे सकते हैं। अच्छा, डेंगू के साथ आपकी इम्यूनिटी का बहुत रोल है, इसीलिए इसमें आइसबर्ग फिनोमिना भी लागू होता है। विल नॉट टॉक अबाउट आइसबर्ग फिनोमिना हियर, लेकिन हम एक बात कहेंगे कि कुछ लोगों को फीवर नॉर्मल आता है और इट डज नॉट गो इनटू फर्दर स्टेज। दूसरा होता है अनडिफ्रेंशिएटेड फीवर। अनडिफ्रेंशिएटेड फीवर का मतलब है जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम, फ्लू सिम्टम्स आते हैं, जैसे फ्लू सिम्टम्स आते हैं, कई बार रैशेज आते हैं, मैक्यूलोपैपुलर रैशेज आते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन अब खास बात करेंगे हम जो क्लासिकल डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो जो क्लासिकल डेंगू फीवर है उसके सिम्टम्स कैसे हैं? पहले तो इसमें हाई ग्रेड टेम्परेचर मिलता है। हाई ग्रेड टेम्परेचर बोले तो ये 39 से लेकर के 40 डिग्री सेंटी 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी चला जाता है टेम्परेचर। एंड ये टेम्परेचर जो है वो घटता है तो 37 से 38 डिग्री तक आता है, फिर ऊपर हाई करता है, इसीलिए इसे बाईफेजिक टेम्परेचर भी कहते हैं। अब दूसरी बात क्या है, जब ये डेंगू फीवर होता है तो आपके शरीर में चकत्ते पड़ सकते हैं। 3 से 5 दिन के दौरान ये चकत्ते पड़ते हैं। चकत्ते कहते हैं, रेडिश टाइप के चकत्ते होते हैं जो सबसे पहले आपके पेट में आते हैं, ट्रंक में आते हैं, उसके बाद वो पूरी एक्सट्रीमिटीज की ओर फैलते हैं। ये रेडिश कलर के इरप्शंस होते हैं। डेंगू फीवर की सबसे खराब बात क्या है? वो खराब बात ये है कि ये कैपिलरी लीकेज करता है, कैपिलरी लीकेज करता है और आपकी प्लेटलेट काउंट्स को घटाता है
और जब ये कैपिलरी लीकेज होता है तो आपके बॉडी के अंदर हिमेटोक्रिट लेवल जो होता है, हिमेटोक्रिट लेवल वो बढ़ जाता है। जिन इन कारणों की वजह से जो क्लासिकल डेंगू फीवर है वो क्लासिकल डेंगू फीवर या तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है और या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम समझ लें कि ये डेंगू जब कॉम्प्लिकेट कर रहा है तो ये डेंगू हेम जब कैपिलरी लीकेज होती है, कैपिलरी लीकेज होती है यानी आपके धमनियों से जब वो जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल कर जाता है तो क्या होता है उसकी वजह से जो आपका पल्स प्रेशर का मतलब बोलेंगे कि हम आपका जो सिस्टोलिक जो लोअर ऑफ ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है जिसकी वजह से ये रेंज घट जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। ये फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है आपके राइट लंग्स को इफेक्ट करता है। इसके बाद ये एसाइटिस भी कॉज कर सकता है और ये लिवर को भी इफेक्ट करता है। बाद में ये क्या करता है आपके यूरिन आउटपुट पे भी इफेक्ट लाता है, यूरिन आउटपुट पे भी इफेक्ट लाता है। तो ये होता है, तो ये क्या करते हैं इसे हम बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर यानी कि हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन आ रहा है। अब ये हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन किस तरह से आते हैं, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन या तो आपके शरीर में स्पॉट्स चकत्ते पड़ जाएंगे या फिर वॉमिटिंग ऑफ ब्लड होने लगे या फिर मलीना यानी कि आपके स्टूल में ब्लड आने लगे। ये सब चीज अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत रेफरल की ओर जाएं। अगर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो क्या होता है इसमें इसमें प्लेटलेट काउंट जो है घट जाती है, ये 1,00,000 से कम होने लगती है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज होती है कि जैसे जैसे ये डेंगू का स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे कुछ और जीआई मैनिफेस्टेशन आने लगते हैं, जैसे कि कॉलिकी पेन होने लगना, पेट में दर्द होना, उसके बाद आपकी सांस फूलना, टेकिपनिया, तेज तेज सांस लेने लगना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं, टेकिकार्डिया यानी कि आपकी पल्स रेट बढ़ जाना, ये सारी चीजें होने लगती हैं। और धीरे धीरे क्या करते हैं जो हम पल्स प्रेशर बता रहे हैं वो घटता चला जाता है और आपकी स्किन कैसी हो जाती है। अब हम डिफर्विसेंट स्टेज की बात करें, बाद में अगर हम 5 से 7 दिन की बात करें तो ये डेंगू के फीवर के फेब्राइल यानी कि जो टेम्परेचर वाले सिम्टम्स हैं वो तो घट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस समय लो टेम्परेचर भी हो सकता है और ये स्टेज ज्यादा खतरनाक हो जाती है, जिसकी वजह से जब ये है आपको ये सारी चीजें होने लगेंगी तो क्या होगा, यूरिन का आउटपुट भी घट जाएगा, यूरिन का आउटपुट घट जाएगा और ये शॉक जैसे सिंड्रोम होंगे। शॉक में क्या क्या मिलता है आपको, शॉक में मिलता है स्किन एकदम ठंडी हो गई है, मुंह सूख रहा है, सांस ज्यादा फूलने लग रही है, तो ये जैसे सिम्टम्स आपको आने लगते हैं तो इस समय आपको तुरंत डॉक्टर की जरूरत होती है। अब हम समझ लें कि कब हमें इसके वार्निंग डेंजर साइंस जहां पे इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो जाती है। अगर ब्लीडिंग एपिसोड्स आ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की तुरंत जरूरत है। अगर आपकी सांस फूलने लगती है, बहुत तेज तेज सांस ले रहे हैं या आपका रेस्पिरेटरी रेट जिसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं वो बढ़ रहा है, मुंह सूखने लग रहा है या पेट का दर्द जिसे हम कॉलिकी पेन के नाम से जानते हैं, ऐंठ मार के दर्द होता है, वो अगर बढ़ने लगता है तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। अगर अब हम टेक्निकल लैंग्वेजेस में बात कर लें, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की बात कर लें, अगर हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो क्रिटिकल लिमिट ऑफ प्लेटलेट काउंट होता है, जो क्रिटिकल लिमिट ऑफ प्लेटलेट काउंट वो होता है 20,000 से कम,
और अगर इसमें ब्लीडिंग एपिसोड नहीं आ रहे होते हैं तब भी आपका प्लेटलेट का परफ्यूजन नहीं करते हैं, ये 10,000 से कम के नीचे में करते हैं, या फिर इसे थेरापूटिक बोलते हैं, या फिर आपके जब ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आ रहे होते हैं तब करते हैं प्लेटलेट का परफ्यूजन। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, मैनेजमेंट लेवल की बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मैनेजमेंट लेवल की बात करें तो कोई भी वायरल फीवर हो, डेंगू के अगर केस में खास, आपको फ्लूइड्स का इंटेक बहुत ज्यादा लेना है। उसमें भी खासकर अगर आप ओआरएस का सेवन करें तो अच्छा होगा। यहां पर मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि ग्लूकोज रिच डाइट मत लीजिए, ये ग्लूकोज रिच डाइट शुड नॉट बी टेकन। लोगों ने हमें देखा है कि मार्केट से ग्लूकोज ले आते हैं और ग्लूकोज देने लगते हैं, ये क्या करता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ऑलरेडी आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो रखा है, ये हाइपरग्लाइसीमिया और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया क्या सिम्टम्स है, वॉमिटिंग आना, मुंह सूखना, पेट में दर्द होना, ये सिम्टम्स ऑलरेडी लेटर स्टेज ऑफ डेंगू में मिलते हैं, और आपको ये और जब आप ग्लूकोज रिच डाइट लेने लगते हैं तो ये बहुत दिक्कत करने लगता है। तो आपको फ्रूट्स सब लें और ओआरएस का सेवन बहुत ज्यादा ज्यादा लें। अगर आप स्टेज लगता है तो ड्रिप वगैरह आपकी लगेगी, वो हॉस्पिटलाइजेशन पर होगी। दूसरा, स्ट्रेस फ्री रहें, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप लें, पानी खूब ज्यादा से ज्यादा पिए और एंटीऑक्सीडेंट्स लें। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स में के बारे में हम बात करेंगे तो कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो कि गाजर वगैरह में मिलता है, जिसे विटामिन ए बोलते हैं, विटामिन ए सी ई और जिंक, ऐसी चीजें आप लेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट्स बनेंगे, क्योंकि वायरल में जब भी जो भी वायरल बीमारी होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लिबरेट होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट उसमें अच्छा काम करती हैं। ये तो रही आपकी मैनेजमेंट की बात। अगर आपको इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्ट का आपको तीन चार चीज़ों पे बहुत खास ध्यान देना है। सबसे पहले कि अगर आपको डेंगू हो गया है तो वो डेंगू किस तरह से पता चलेगा, किस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो सबसे पहला है वायरस खुद पता कर लें। अगर वायरस के बारे में पता चल जाए दिस इज द बेस्ट कंफर्मेशन, और बेस्ट ये सीरम से भी पता चल सकता है और सीएसएफ से पता चल सकता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये तो थोड़ा सा डेंजरस होता है। दूसरा, ये वायरस के अंदर जो NS1 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं वो भी आपको पता चल जाती हैं, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन के लेवल से IgM और IgG इससे पता कर सकते हैं। NS1 की खास बात है ये 1 से लेकर 6 दिन तक हाई रहता है, और IgM IgG की प्रॉब्लम क्या है, ये 3rd डे के बाद ही राइज करता है, तो आपको शुरुआती दौर पे पता करना है तो NS1 की जरूरत होती है, और या फिर RT-PCR ये थोड़े से ज्यादा बेटर टेस्ट है, RT-PCR एंड NS1 एज कंपेयर टू दिस। लेकिन जब आप उसके दौरान पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, फीवर बढ़ता ही जा रहा है, तो किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे, हिमेटोक्रिट लेवल यानी कि CBC कराएंगे, अगर ये हिमेटोक्रिट लेवल 20% से ज्यादा बढ़ रहा तो अगेन ए प्रॉब्लम है। अगर प्लेटलेट काउंट घटती जा रही है, 1 लाख से कम होती जा रही है, अगेन ए प्रॉब्लम है। दो दिन क्रिटिकल लिमिट आई वुड से जहां के बहुत एग्रेसिव इंटरवेंशन लेना है वो 20,000 से कम हो जाए। फिर बाद में एक स्टेज ऐसी आती है जब फीवर खत्म हो जाता है तो क्या होता है, आपके WBC काउंट बढ़ जाता है, देयर इज इंक्रीज इन लेटर स्टेजेस, देयर इज WBC काउंट इंक्रीज एंड यू हैव ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस, दिस ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन एंड इंक्रीज WBC काउंट इज अगेन ए प्रॉब्लम। अब इसमें जो हाइपोटेंशन होता है उसकी वजह से ऑर्गन लेवल फेल्योर भी कॉज करता है, इसमें DIC डिसिमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन की वजह से ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, ये लिवर भी इफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए आपको लिवर के भी जितने टेस्ट होते हैं LFT कराना जरूरी पड़ जाता है। किडनी में ऑलिग्यूरिया हो रहा तो किडनी का टेस्ट आपको
के एफ टी कराना जरूरी हो जाता है अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग। दूसरी चीज, ये तो हमने मैनेजमेंट की बात कर ली कि एस अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक फ्लूइड लेना। फिर इस मच्छर की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, इस मच्छर, क्योंकि अगर ये मच्छर ही नहीं होगा तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो जैसे हम जानते हैं कि ये आप अगर फुल स्लीव्स कपड़े, एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, ये मच्छर 16 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इस समय का टेम्परेचर, और 60 से 80 ह्यूमिडिटी पर, बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी में ज्यादा पाया था, जो कि आजकल का टेम्परेचर है। और खासकर जब 16 से 30 डिग्री तक जाया जाता है, यानी कि हमारा जब दिसंबर से जस्ट पहले तक का जो सीजन है वहां पर ये सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो इस सीजन में हम बहुत ज्यादा सतर्क रहें, यानी कि आफ्टर सेप्टेम्बर टू लेकर दिसंबर हमारे लिए ये सीजन बहुत ही ज्यादा खराब सीजन है। तो यहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, ये पानी इकट्ठा ना हो। आपका पानी नॉर्मली क्या इकट्ठा होता है, टूटे बर्तनों में पानी इकट्ठा होता है, कई बार पॉट्स में हम ज्यादा पानी डाल देते हैं, पानी उसमें बहुत दिन तक पड़ा रहता है, तो पानी को हटा देंगे। या फिर इस समय कई बार क्या था, ह्यूमिडिटी रेज हो जाती है तो लोग अपने कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कूलर्स हटाते हैं तब भी उसमें पानी रह जाता है, तो यहाँ मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, तो उसके पानी को हम हटाना चाहेंगे। तो इन चीजों का हम खास ध्यान रखेंगे, यानी कि फुल स्लीव की शर्ट पहनेंगे। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम आती है, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का हम इस्तेमाल करें, और उससे अच्छा है कि अगर हम मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, तो ये मॉस्किटो नेट्स हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्प्रे कर रही है, इनडोर रेसिडुअल स्प्रे के बारे में बात करते हैं, जिसमें मेलाथियॉन या डीडीटी वगैरह का स्प्रे करते हैं। तो आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि वो इंडोर रेसिडुअल स्प्रे आपके एरिया में करें, और ये इंडोर रेसिडुअल स्प्रे अगर आपको उस समय करते हैं जिसमें मॉस्किटो ज़्यादा मिलता है, यानी कि वो शाम के समय करें, रात में करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मच्छर उस समय मिलता ही नहीं है, कम हो जाता है। तो ये इंडोर रेसिडुअल स्प्रे दिन के समय कराने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हमने इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई, टेक अवे मैसेज, अगर फीवर आता है तो डाइट में एक्सेसिव फ्लूइड, ओआरएस वगैरह अधिक से अधिक लें, जूसी फ्रूट्स लें। दूसरा, अपनी जो ड्रेसिंग है वो कृपया करके फुल स्लीव्स कपड़े इस दौरान बिल्कुल पहने, नेट्स का इस्तेमाल करें, पॉइंट्स वगैरह में अगर पानी नहीं रोक सकते हैं तो केरोसिन ऑयल पेट्रोल का इस्तेमाल करें। ये क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई घटा देता है, जिसकी वजह से ये लार्वा जो उसका होता है वो फर्दर ब्रीड नहीं कर सकता है, मर जाता है। तो या तो पानी बिल्कुल हटा दें, और अगर पानी नहीं हटा पा रहे हैं तो कृपया करके उसके ऊपर आप केरोसिन ऑयल डालें। तो अगर हम लोगों के बीच में खुद नॉलेज ले लिए हैं और ये नॉलेज लोगों तक इम्पार्ट करें, अगर लोगों तक ये बिहेवियर चेंज हो जाए, यानी कि लोग अच्छा खान पान करने लगे, मॉस्किटो नेट्स लगाने लगे, पानी को रुकने ना दें और गंदगी से दूर रहें, तो हम डेंगू से दूर रह सकते हैं। तो नॉलेज इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो नॉलेज आपको मिली है, प्लीज डिसमिनेट दिस नॉलेज टू मोर पीपल एज पॉसिबल। थैंक यू।